Learning with Earning, world's first live freelancers training portal, providing online top-rated trainers with exclusive live sessions on freelancing skills in Pakistan, USA, and Canada. Let's learn and earn from your home. अच्छा, उसके बाद यहाँ का डैशबोर्ड नजर आता है एनालिटिक्स का, यहाँ वॉच टाइम कितना हुआ, व्यूज कितने हुआ, सब्सक्राइबर, और ये अर्निंग तब शो होगी जब आप जो है एडसेंस के लिए अप्लाई करोगे। आपको एक टिप देता हूँ एडसेंस अप्लाई करने के लिए, मैंने खुद इसकी जो है ना कंट्री आप कोशिश करें, अगर कोई यूएसए का आपका कोई जानने वाला है आप उसे एडमिन बनाएं अपने साथ, और अपने चैनल की कंट्री करें यूएसए, और जब आपके चैनल पे 1000 नहीं बल्कि कम से कम कोई 2500 या 3000 सब्सक्राइबर हो जाएं, और आपका व्यूज जो वॉच टाइम है वो भी कम से कम 4000 घंटे बताया हुआ तो 5000 के करीब हो जाए, फिर आप अप्लाई करेंगे तो 6 या फिर 12 या 15 दिन में आपकी मोनेटाइजेशन ऑन हो जाती है यूएसए पे या यूके पे रख के। ठीक हो गया, मतलब यूरोप कंट्री में आप कहीं भी रखते हो ना, पाकिस्तान में मैंने इतने चैनल मोनेटाइज हमने कोशिश की है लेकिन वो 15-15 दिन 20-20 दिन कोई उनका रिस्पांस ही नहीं मिलता हमें। तो इसकी भी आपने ऐसे ही करना है कि चैनल को आपने अप्लाई करना है यूएसए यूके का कोई बंदा बना के, वहाँ से कोई एडमिन उसे बना के उसे कहे वहाँ से अप्लाई कर दे, तो वहाँ से मोनेटाइजेशन बड़ी जल्दी ऑन हो जाती है। और ये ना हो कि आप फौरन 1000 के बाद ही करें, 1000 के बाद होता क्या है बताता हूँ। हमारे लोग क्या होता है, वो जल्दी इतनी पड़ी होती है कि यार मोनेटाइजेशन फौरन ऑन हो जाए, लेकिन अब होगा क्या, आप कोशिश करें कि आपका जो ये रियल टाइम है ना, मैं अपना रियल टाइम दिखाता हूँ आपको, ये रियल टाइम कोई डेली का 10000 तो हो 48 घंटे का, यानी कि आपके चैनल पे कम से कम कुछ ना सही को 5000 व्यूज तो आ रहे होंगे। देखिए मैं बस 85000 व्यूज आ रहे हैं लास्ट 48 आवर्स में। ठीक हो गया, ये पिछले घंटे के व्यूज बता रहा है कि 3400-3500 इतने। अब मुझे फायदा क्या है, अगर मेरी मोनेटाइजेशन ऑन हो भी जाती है तो मुझे कुछ ना सही कोई $3-4 अर्निंग शुरू होगी, लेकिन हमारे व्यूज आ रहे होते हैं डेली के कोई 100-200-300 या हद कोई 1000-1500 व्यूज आ रहे होते हैं यहाँ रियल टाइम में। अगर 1500 आ रहे हैं तो मतलब ये कि एक दिन में 700 व्यूज पे अर्निंग ही कोई नहीं होगी। यूट्यूब देखता है एक्टिव कितना है चैनल आपका, चैनल जब कोई वीडियो वायरल होना शुरू हो ना, समझ लें आपकी और आपका कॉन्टेंट जो है ये पूरा हो चुका हो इसका टारगेट, उसके बाद आप अप्लाई करेंगे तो उससे ये होगा कि अप्लाई करने के बाद आपका जो है ना फिर वो मोनेटाइजेशन जल्दी जल्दी आपका वो ऑन कर देते हैं। वजह क्या होती है, वो देखते हैं कि यार इस पे रिस्पांस अच्छा मिल रहा है और बंदा रेगुलर काम कर रहा है, रेगुलर रहें जब तक आपकी मोनेटाइजेशन ऑन नहीं हो जाती, बड़ी जल्दी ऑन हो जाती है। इसमें मैं ट्राई कर रहा हूँ इंशाल्लाह, ये पाकिस्तान का मैंने नहीं रखा, इसका मैंने कोई और कंट्री सेलेक्ट किया, तो मैं अब इस पर भी एक ट्राई करके देख रहा हूँ कि मुझे कितना टाइम लगता है इसकी मोनेटाइजेशन ऑन होने के लिए। मैं 2-3 दिन पहले अप्लाई किया, ठीक देखिए मैं 2-3 दिन पहले अप्लाई किया जबकि मेरे चैनल के सब्सक्राइबर कोई 6000 के करीब होने वाले हैं। तो आप भी कोशिश करेंगे 2025 सब्सक्राइबर जब क्रॉस कर दें, आपके व्यूज कम से कम डेली के कोई 5000 हों, तब आप अप्लाई करें। चलें बाकी बात कर रहे थे हम डैशबोर्ड, यहाँ से इसको भी उठा के आप ये बॉक्स है उठा के यहाँ रखना चाहते हैं यहाँ रख लें, ये इधर, या फिर इधर ही रखना चाहते हैं इधर ही रहे, या आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो ये रिमूव हो गया आपका ये डैशबोर्ड, एनालिटिक्स गायब हो जाएगी आप कुछ भी। उसके बाद यहाँ एड विजेट में जाएंगे, यहाँ जाके आप फिर एनालिटिक ऐड कर लेंगे। ठीक हो गया, यहाँ से ये कोई उजाना, बाकी मजीद आपको अंदर जाके पता चलेगा कैसे। कमेंट्स हैं, कमेंट्स उठा के मैं नीचे रखता हूँ, तो मैं इसको उठा लेता हूँ यहाँ इधर ऐसे, ये ले जी वीडियो ऊपर आ गई है, और ये टैब कहाँ चला गया, इसको उठा के हम ऊपर लेके आते हैं। यार क्या कर रहा है, इसको उठा के हमने यहाँ रख दिया। ये नीचे आप कमेंट नजर आ रहे हैं, कमेंट आप जो है ना रीड व्यू ऑल करके सारे देख लोगे, यहाँ बस व्हाट्स न्यू आते हैं, टिप्स आते हैं, न्यूज आती रहती है यहाँ से आपके पास। ठीक हो गया जी, यहाँ से आप न्यूज आगे करके देख सकते हो सारा, ये हो गया डैशबोर्ड। उसके बाद आते हैं वीडियो मैनेजर में, वीडियो मैनेजर में आने के बाद आपके पास यहाँ वीडियोज शो होती है सारी, इसमें आप 3-4 तरह से देख सकते हो कौन कौन सी वीडियोज आपने देखनी है। यहाँ आपका सारा न्यूएस्ट, यहाँ सबसे ऊपर आपकी जो वीडियो रहेगी वो न्यूएस्ट वीडियो रहेगी। ये देखें आपको कहता हूँ कि मैं मेरी वीडियोस जो है ना शेड्यूल पर लगी हुई होती हैं, तो आप यहाँ के देख रहे हो कि आपकी मोस्ट वीडियो व्यूड वीडियो कौन सी है, वो आप बस यहाँ मोस्ट व्यूड वीडियो आना शुरू हो जाएगी। सबसे पहले हमारी नन्ही दुकान वाली है वो वीडियो आ जाएगी, उसके बाद दूसरे नंबर पर आप देख सकते हो कि ये ऐसे ही पब्लिक वीडियो करनी है पब्लिक आ जाएंगी, उसके बाद अनलिस्टेड करनी है, प्राइवेट करनी है, ड्राफ्ट, मोनेटाइज, नॉट मोनेटाइज, वो सारी आप यहाँ से देख लोगे। ठीक, उसके बाद ये एक्शन का बटन है, एक्शन पे आप जब कोई वीडियो पे क्लिक करोगे तो उस पर एक्शन क्या करना है आपने, ये एक्शन आ गया,
एक्शन पे आप क्या कर सकते हो, सारा कुछ लिखा है। आप डिस्क्रिप्शन चेंज करना चाहते हो, डैक्स टाइटल कुछ भी चेंज करना चाहते हो, आप यहाँ से कर सकते हो। पब्लिक अनलिस्टेड प्राइवेट कुछ भी, अभी ये पब्लिक है, आप चाहते हो अनलिस्टेड हो तो अनलिस्टेड हो जाएगी, प्राइवेट करो तो प्राइवेट हो जाएगी। इसका स्टैंडर्ड लाइसेंस और क्रिएटिव लाइसेंस क्या होता है ये बाद में हम बात करेंगे। डिलीट करना चाहते हो डिलीट भी हो जाएंगे, ठीक हो गया। मोर एक्शन पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये और ढेर सारे एक्शन आ जाएंगे। इसमें आप एज रिस्ट्रिक्टेड करना चाह रहे हो, ये सब कुछ आगे वीडियो जो हम अपलोड करेंगे उसके अंदर सारा हमारे पास आ जाएगा, ठीक हो गया जी। एम्बेडिंग क्या चीज़ है, डिस्क्रिप्शन, कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन, सारा हम बाद में बात करेंगे। तो ये होता हमारा वीडियो का पार्ट, वीडियो मैनेजर का। मैं दोबारा ओपन करता हूँ, इसे रिफ्रेश करता हूँ। आज स्पीड शायद स्लो आ रही है, ओहो सॉरी मैंने बंद कर दिया। अच्छा ये वीडियो मैनेजर हमारे पास आ गया, ये हमारी सारी वीडियोस वो शो हो रही हैं, पेज फिर ये पेज बनते रहते हैं, नेक्स्ट 1, 2, 3, 4 जितनी वीडियोस आपके अपलोड होती रहेंगी। उसके बाद हम आते हैं प्लेलिस्ट में। आप जो प्लेलिस्ट बनाते हो आप यहाँ से वो रिमूव भी कर सकते हो, यहाँ से एडिट करके नेम चेंज कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। चलिए आज मैंने खोल लिया, तो मैं ये देखें, ये मेरी एक कोई प्लेलिस्ट थी हार्ट टचिंग पोइट्री, मैं चाहता हूँ इसको डिलीट करना चाहता हूँ। एडिट पर क्लिक किया मैंने इसे, अभी हमारे पास यहाँ आ गया है, और उसके बाद यहाँ ये तीन डॉट्स बने, मैं इस पर क्लिक करके रिमूव फ्रॉम हार्ट टचिंग पोइट्री, ये लें जी, ये हमारी मनोवल प्लेलिस्ट। उसके बाद एडिट, आज मैंने सारी जो है ना वो रिमूव कर दी थी, ये लें। आप वहाँ एडिट पर क्लिक करोगे ये प्लेलिस्ट आ जाएंगी, और यहाँ से आप क्लिक करोगे मोर और डिलीट प्लेलिस्ट, ठीक हो गया जी। ये डिलीट, यस डिलीट इट, एक रिमूव हो गया। ऐसे ही आप कोई भी रिमूव करना चाह रहे हो, कुछ भी करना चाह रहे हो, प्लेलिस्ट पे क्लिक किया आपने यहाँ से, और ये प्लेलिस्ट मतलब जो है ना हमने वो करनी है रिमूव, और एडिट पे क्लिक किया यहाँ से हमने, और यहाँ आने के बाद हमारे पास ये आ गया, इसे मैं रिमूव कर दूंगा, डिलीट प्लेलिस्ट, ठीक हो गया जी। ये आप आ गए हैं, दोबारा डैशबोर्ड पे चलते हैं हम, बस मजीद हमने कुछ भी नहीं करना। वीडियो मैनेजर के पास चल गया, प्लेलिस्ट के पास चल गया। तीसरी बात है लाइव स्ट्रीम, लाइव स्ट्रीम यहाँ से आप लाइव स्ट्रीम जो है ना इवेंट्स क्रिएट कर सकते हो। इवेंट्स कैसे क्रिएट करना है वो बता देता हूँ। स्ट्रीम नाउ कैसे करना है, मोबाइल से आप अच्छा ये कैमरा लगा हो तो अच्छा कर लोगे। अभी मैंने एनेबल नहीं की, यहाँ जाओगे आप, ये दिखाता हूँ मैं आपको, इसका शायद मेरे ख्याल से कोई लिमिट होती है, बहरहाल मुझे पता नहीं है। या आप एनेबल करोगे तब भी आप यहाँ से नीचे आओगे, ये चलें बाद में चलते हैं लाइव स्ट्रीम की तरफ, बाद में चलते हैं। उससे पहले आते हैं कम्युनिटी में, कम्युनिटी में आपके पास आता है जी, आपके पास किस किस ने कमेंट किया हुआ है। अच्छा ये इसमें आप, अब बताऊंगा कैसे आपने काम करना है। यहाँ आप पब्लिश कमेंट शो हो रहे हैं, हेल्ड आप अपनी अलाउ करते हो कि आपके कमेंट फौरन पब्लिश हो जाएं या हेल्ड में आप रिव्यू में रहें, या फिर आप कोई स्पैमिंग कोई कर रहा होता है, लिंक शेयर कर रहा है या कुछ कर रहा है ये देखें, तो वो आपके यहाँ आ जाते हैं, या एक बंदा 4-5 कमेंट कर रहा है तो वो यहाँ आ जाते हैं लाइक स्पैम में। आप इन्हें यहाँ से अप्रूव भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, ये देखें यहाँ से आप अप्रूव कर दोगे, डिलीट कर दोगे, और यहाँ से क्लिक करके आप इसे कहोगे हाइड दिस यूजर कमेंट्स ऑन दिस चैनल। इससे ये होगा कि ये बंदे का अंदर कोई भी कमेंट करेगा तो आपके चैनल पे नजर नहीं आएगा। रिपोर्ट स्पैम और अब्यूज करोगे तो इससे ये होगा कि यूट्यूब के पास एक कंप्लेंट चली जाएगी कि ये बंदा जाना कोई इलीगल काम कर रहा है, ठीक हो गई। अच्छा यार सवाल आपके ना बाद में आप करो, फिर मुझे ना डिस्टर्ब होती है तो काम सारा खराब होता है। सर पाकिस्तान मैक्सिमम कितने दिन तक मोनेटाइजेशन ऑन हो जाती है? एक मिनट यार, VPN कहाँ लोगो यार, खुद पिक लगा लो अगर लोगो नहीं तो। VPN यूज कर, नहीं VPN यूज नहीं करना आपने, देखो कोई बंदा है तो ठीक हो गया। और उसके बाद सऊदीया UAE का हो, अगर सऊदीया UAE का यार ट्राई कर लें, यूरोप का तो मुझे पता है यूरोप में 6-6 दिन में भी मोनेटाइजेशन ऑन हो जाती है, ठीक हो गया। अगर USA से वेरीफाई करेंगे तो अर्निंग भी वहाँ के बैंक में ट्रांसफर होगी? नहीं भाई, आप यहाँ से चैनल जो है अपना एडसेंस जो बनाओगे ना, चैनल आपका USA का जो है USA कंट्री आएगी, लेकिन जो एडसेंस होगा वो आपका पाकिस्तानी एड्रेस में आएगा। बना आप वहाँ भी रहे हो कोई इशू नहीं है, एड्रेस आप पाकिस्तानी दे दो, कोई मसला नहीं होगा इसमें, ठीक। मैं खुद पाकिस्तानी एड्रेस देता हूँ। सर पाकिस्तान में मैक्सिमम कितने दिन तक मोनेटाइजेशन ऑन हो जाती है, अगर चैनल रैंक हो जाए तो अप्लाई करें तो? सर शेड्यूल पर कैसे लगाते हैं? आई मैं सारा बता रहा हूँ यार, वीडियो जब अपलोड करेंगे शेड्यूल भी बता दूंगा। यार पाकिस्तान में कितने दिन में मोनेटाइजेशन ऑन हो जाती है कुछ भी नहीं कह सकते, पाकिस्तान और इंडिया बड़ा हालात खराब हुए हैं इस वक्त। अच्छा बड़ा टाइम भी मांगते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम भी, इसलिए आप कोशिश करें कि अगर अपने चैनल का सिर्फ आप कंट्री के बजाय आप कंट्री में USA भी लिख के फिर अप्लाई करके देख लें, शायद फिर भी हो तो कोई पता नहीं है, आप पाकिस्तान से हो तो। सर मोबाइल पर लाइव स्ट्रीम 1000 सब्सक्राइब कर ऑन होती है, ठीक होगा जी, मुझे पता ही था, मैं लाइव स्ट्रीम बहुत कम यूज़ करता हूँ। सर सेशन जबरदस्त चल रहा है, मेरे फाइनल चल रहे हैं, सुबह भी पेपर है, तैयारी करनी है, तो ठीक होगा जी, ओके जी, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अच्छा कमेंट्स में हम आ गए हैं, तो कमेंट्स में हमारे पास यहाँ लाइकली स्पैम और सब कुछ ही आ गया, ठीक। उसके बाद हम आते हैं कम्युनिटी के अंदर ही हमारे पास सब्सक्राइबर का। अच्छा
आपके पास यहाँ पब्लिश कमेंट पे भी कोई वीडियो कोई कमेंट अच्छा नहीं लग रहा, आप क्या करोगे, डिलीट भी कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ क्या करोगे, रिपोर्ट भी कर सकते हो, उसके बाद हाइड भी कर सकते हो कि वो हमारे चैनल पे कोई कमेंट ही ना करे, शो ही ना हो उसका चैनल, ठीक है। वो जब भी कमेंट करेगा तो यहाँ लाइकली स्पैम में आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से उसे ऑलवेज अप्रूव कमेंट, यानी कि ये बंदा जब भी कोई भी कमेंट करे तो उसका अप्रूव कमेंट हो, बाकियों को आपने हेल्ड पे लगाया हुआ, ठीक हो गया। ऐसा भी आप यहाँ से एड दिस यूजर एज अ कमेंट मॉडरेटर, मतलब आपके वो आप उसको इतनी अथॉरिटी दे देंगे कि वो किसी को भी हार्ट दे सकता है, लाइक कर सकता है, अच्छा जाना वो मॉडरेटर के तौर पे वो हार्ट दे सकता है, ठीक हो गया जी। अच्छा उसके बाद आते हैं सब्सक्राइबर की तरफ। सब्सक्राइबर में हम यहाँ देख सकते हैं कि हमें कौन कौन बंदा सब्सक्राइब कर रहा है। हमारे पास 5,699 करीब सब्सक्राइबर हो गए। यहाँ अगर शो नहीं हो रहे लेकिन यहाँ शो होते हैं आपके पास के कौन कौन बंदा आपको ओनली शेयर सब्सक्राइबर हु शेयर देयर सब्सक्रिप्शन पॉलिसी पब्लिसी आर शोन सब्सक्राइबर हु आर हैव देयर सब्सक्राइबर। यहाँ बाल सब्सक्राइबर शो होते हैं किसी ने सब्सक्राइब किया है आपको। बाकी सब्सक्राइब का बटन यहाँ एनालिटिक्स में जाओगे आप, एनालिटिक्स में क्लिक करके यहाँ आप नीचे आते हो, ये देखें यहाँ से भी आप देख सकते हो ये सब्सक्राइबर, यहाँ से आप ये देख सकते हो सब्सक्राइबर में कि कितने सब्सक्राइबर, ये देखें ये सारा आपके सामने मैंने अपना चैनल हर चीज़ खोल के कर दिया, दिखा दिया, नंगा कर दिया अपना चैनल आपके सामने। ये मुझे बता रहा है कि मेरे 413 सब्सक्राइबर भागे हैं, मैंने 48 सब्सक्राइबर गेन किए थे, ये अभी 2 दिन पीछे का रिजल्ट बता रहा है। अब जबकि मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर आप देखेंगे तो अभी सब्सक्राइबर होंगे कोई 5,600। अभी ये देखें ज़रा मैं दिखाता हूँ आपको, ये 2-48 घंटे बाद अपडेट होगा। यार स्पीड ही बड़ी गंदी आ रही है। चले मैं कमेंट्स देख लेता हूँ इतने क्या कमेंट्स हैं लोगों के। ये लें देख लें 5,686 मेरे सब्सक्राइबर अभी हैं और वहाँ क्या शो करवा रहा है। सर एक क्वेश्चन है, चले फिर कभी चलता हूँ जैसे भी हमारा इमेजिंग अगर चले ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। सर आप रिस्पेक्ट बहरहाल आपके लिए, मैंने आपसे काफ़ी कुछ सीखा था, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा ये आपके पास जो है ना यहाँ एनालिटिक्स आ गया सब्सक्राइबर में, आप देख सकते हो कि सब्सक्राइबर कितने गेन हुए और कितने, ये डेट बता रहा है 28 डेज की, ये 14 जून तक, 14 जून से 10 जून तक, आज 13 जून हो गया, 3 दिन का भी डाटा ये बताएगा। 3 दिन में मुझे मेरे सब्सक्राइबर ये देखे 5,686 हो गए। अब हम चलते हैं आगे, हम कम्युनिटी में फिर रहे थे तो कम्युनिटी में हमारे पास यहाँ से हमने सब्सक्राइबर भी देख लिया है और उसके बाद हमारे पास ये अब आ गया कम्युनिटी सेटिंग। ये मेन चीज़ है कम्युनिटी सेटिंग, यहाँ हम क्या कर सकते हैं कम्युनिटी सेटिंग में, आप यहाँ किसी का URL दोगे उसे मॉडरेटर बना सकते हो, ठीक हो गया। ये देखें पेस्ट न्यू मॉडरेटर URL, एक लिंक दो लिंक जितने लिंक आप देते रहोगे उससे फिर नीचे वो एंटर मारे करते रहोगे, ठीक। उसके बाद अप्रूव यूजर, यहाँ आप अप्रूव यूजर में कमेंट्स में जाके जाना, वो वहीं आपके पास जो मैंने बताया था कि आप कमेंट के नीचे लिखते हो तो उसके नीचे अप्रूव आता है तो वहां से आप अप्रूव कर दोगे, हर बंदा वहां अप्रूव हो जाएगा। अच्छा जिस जिसको आपने वहां से अप्रूव किया हुआ होगा ना वो आपके पास यहाँ शो हो रहे होंगे कि आपने इसको अप्रूव किया हुआ, अप्रूव किया हुआ, वो सारे यहाँ शो हो रहे होंगे। आपने जिन जिन यूजर को हाइड किया हुआ होगा वो सारे यूजर यहाँ आपके पास हाइड हो रहे होंगे। यहाँ वर्ड्स ब्लॉक आ जाता है, आप कोई वर्ड्स मिसाल के तौर पर आप कर लेते हो, यहाँ मैं करता हूँ अब यहाँ सब्सक्राइब और कॉमा, कोई बंदा भी आपके चैनल पे कमेंट करता है कि सब्सक्राइब माई चैनल तो उसका वो जो है कमेंट उसका जो है ना वो अप्रूव ही नहीं होगा, कमेंट ही नहीं होगा, ठीक होगा। आप यहाँ लफ्ज़ ब्लॉक कर दोगे वो लफ्ज़ आपका कमेंट में लिखा ही नहीं जाएगा, ठीक हो गया जी। आप यहाँ इस पर क्लिक करोगे ब्लॉक लिंक्स, ब्लॉक लिंक्स करोगे तो आपको कोई भी लिंक शेयर करेगा तो वो लिंक आपका ब्लॉक हो जाएगा ऑटोमेटिकली, लिंक आपका अपलोड नहीं होगा। उसके बाद आपको आता है यहाँ कमेंट ऑन योर चैनल, आपके चैनल पे कौन कौन कमेंट कर सकता है। मैं तो अलाउ ऑल किया हुआ है, आप होल्ड भी कर सकते हो, होल्ड ऑल भी कर सकते हो और डिसेबल भी कर सकते हो, ठीक हो गया जी। और ये मैसेज भी आप यहाँ से इन लाइव चैट में होल्ड पोटेंशियली आप कुछ भी कर सकते हो, यहाँ से होल्ड भी रख सकते हो या और अलाउ भी, बहाल अलाउ करें ताकि जितने ज़्यादा कमेंट आए आपके चैनल पे अच्छा जो है ना फैक्टर पड़ता है, अच्छा वो फायदा देता है। ये हमारे यहाँ तक समझ आ गई है चार चीज़ें। अब चलते हैं चैनल के अंदर, चैनल बड़ी मेन चीज़ है जी। ये कह रहा है सेव करो, मैं सेव कुछ भी नहीं करता हूँ, जो हो गया बस ठीक।